यार बहुत थक गई मैं आज। चॉपलिन ने बोला है ऐसा बोलने को ब्लॉक के लिए। यार आप लोग गैस करिए हम लोग कहीं जा रहे हैं। क्या अब वो मैं बता दूंगा तो वो लोग क्या गैस करेंगे यार। ओ भाई आप ही गैस करो, हम नहीं बता रहे हैं आपको। एंड इसके कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये कहाँ जा रही है और ये हमको जबरदस्ती लेके जा रही है, हम जाना नहीं चाहते थे। यस yes. जाना तो चाहते थे। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने पैकिंग करी अभी इतनी सारी और मेरी हेल्प किसने करी है? ये इसको अभी दो वक्त की रोटी दी गई है। मैंने अपनी पैकिंग नहीं करी है, तेरी पैकिंग कराने आया हूं मैं तो। अभी अपनी पैकिंग करेगा जाके, मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग डन। अभी हम निकलने वाले हैं, अभी बज रहे हैं 9। हमारी ट्रेन कितने बजे की है आज? हमारी ट्रेन है 1:15 की रात में, आई मीन सुबह 1:15। हमें यार रात के 1 बजे की ट्रेन है हमारी। हाँ। और हम लोग अभी निकलेंगे, ये अभी पैकिंग करेगा अपनी घर जाके। और ये देखो ये रो रहा है, ये देखो ये मेरे उससे खेल रहे हैं। खेल रहा है वो, उसने कर लिया। ये आ गई अंकी। अंकी हाय। हाय। ये कौन है? ये कौन आ गया? इसमें देखो ब्लॉग में जैसे हो वैसे ही डालो, ठीक है? इसमें बनावटी की जरूरत है। ये नहीं डालूंगी मैं, गजब बेइज्जती है। मेरे बैग जो पैक हो चुके हैं, अब मैंने एक स्लीपर तो रख ली है लेकिन एक स्लीपर रह गई है। ये जगह नहीं है इसमें रखने की, कहाँ रखूं मैं? तू रख ले एक स्लीपर। इसकी एक ड्रेस मैं लेके जा रहा हूँ अपने बैग में रखने के लिए, और एक स्लीपर भी लेके जाऊंगा। एक स्लीपर इसमें, एक स्लीपर सपने के बैग में। जल्दी आ, जल्दी पैकिंग करके लेट मत करना। एक चप्पल लेके जा रहा हूं। क्या करें हम, गरीब इंसान। 3 बैग हमारे पास, एक और हो जाता क्या चला जाता। बहुत गरीब हो तुम, आईटी के बैग यूज कर रहे हैं, बहुत गरीब हो। तुम मम्मी कितनी तैयारी कर रही है मेरे जाने पे, मतलब वो पूरा घर ऐसे सर पे उठा लेती है कि साक्षी जा रही है। अभी वो रोने भी वाली है, मुझे पता है मन ही मन में अभी रो रही होंगी, लेकिन ठीक है मैं उनके सामने नहीं रो सकती। सो चलते हैं मम्मी की तरफ। सो मैं आ गई हूँ मम्मी के पास। मम्मी क्या क्या रख दिया मेरे लिए? गाजर का हलवा और के लड्डू और मिर्ची का अचार, गाजर का अचार। अभी देखना अलग से बैग तैयार होगा मेरे लिए, एक मम्मी वाला जो सबकी मम्मियां करती हैं अलग से तैयार। और ये मेरे पापा खड़े हुए हैं। पापा हाय। हेलो। ये बन रहे डोसे, हम खाएंगे डोसे। ये दूध, ये पिएंगे दूध। मम्मी तो मेरे जाने पर खुश ज्यादा लग रही है, देखो खुश हो रहे। देखा यही तो बुलवाना था, मैंने पहले बोल दिया ब्लॉग में ये चीज। चलो ब्रो रोना चालू। क्या यार रोनी मम्मी। मम्मी ये देखो कैसा लग रहा है यार, रोनी यार मम्मी लाऊंगी क्या रोनी। चलो चल जाता, खेल रहे हैं। चलो ये आ गया। देखा गाइस, मुझे पता था मम्मी इमोशनल हो जाएंगी और वो हो गई इमोशनल, लेकिन मैं उनके सामने इमोशनल नहीं हो सकती क्योंकि नहीं हो सकती। लेकिन मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि नहीं रोना, जाना तो है ही, जाना है तो जाना है। कभी कभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब बस मम्मी के सामने खुश रह सकती हूँ जिससे वो स्ट्रांग रहे, वो खुश रहे। अगर मैं रोई तो वो रोएगी। ओ मेरा हलवा तैयार। ये किसने बनाया भाई? मैंने। पापा ने? पापा बना रही है तो। पापा ने पूरी मेहनत करी, पापा ने बना रहे। पापा चला रहे हैं, पापा ने बस चलाया है। देखो हलवा, देखा देखा
हलवा, ओ वेरी वेरी टेस्टी। ये हर्षित की डिमांड थी हलवा बनाने की, बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का हलवा। सो ये उसके लिए जा रहा है ये हलवा अर्षित जी के लिए। देखो मम्मी ने बाल सही कर लिए ब्लॉग के चक्कर में। ओ 10:30 हो रहा है, हम लोग को निकलना है 1 बजे। एक घंटे लेट है हमारी ट्रेन, तो 2 बजे आएगी। ये पापा ने लड्डू बनाए हैं। किसके लड्डू पापा? ये मलाई के लड्डू। मलाई के लड्डू पापा के हाथ के बहुत फेमस है, मेरे ससुराल में सबको ये लड्डू बहुत पसंद है, तो पापा ने ये फिर से बना के भेज रहे हैं। किसके लिए भेज रहे पापा? के लिए। सब अर्षद के लिए। मेरे लिए क्या है फिर? गाजर का हलवा मम्मी ने बनाया। 1 बज रहे हैं और मम्मी पापा अभी भी किचन में लगे हुए हैं। देखो खा लेना ये मम्मी का प्यार, मम्मी नहीं मानेगी। गाजर का हलवा, लड्डू, जाने क्या क्या है। देखो मटर भी छील के रख दिए भाई साहब अभी आए थे, लेकिन ये कुछ ना भूले ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी ये एक अपने ये कंप्यूटर का लैन केबल है, तो ये वो लेने गया था वापस अपने घर। बहुत अच्छा काम किया तेरी ऐसे ही। भुलक्कड़ है ये, भुलक्कड़ ये ब्लॉग में जरूर ऐड होना तो चाहिए था तेरी ये। मम्मी देखो रो रही है। क्या है? हाँ बोल तो कह रही हूँ। चुप करो पापा, चुप करो, चुप हो जाओ, चुप करो। चलो रोनी, चलो चलो हंसू ना। अच्छा चलो चलो दांत देखो अपने। अमित दूर रहता है तब भी अमित टाइम पे पहुंच गया है, लेकिन हम अभी भी लेट। ये हमारा अमित आ गया। चलो चलो यार, चलो चलो पहले। ये इसको बहुत टेंशन है दिल्ली जाने की। मेरी छूट चुकी है ना, टेंशन आ रही है मोटी। निकल गई, निकल गई सॉरी। मेरा बैंड लिखा था, सुकून होगा। नहीं नहीं, उसका रास्ता काटा सबने। मुझे बोला था, मैंने बोला था इंसान के हर जगह बॉडी पार्ट में कैची लगी है। मैंने आज ही बोला शाम को मेरा पेंट मत पहनो खराब हो जाएगा। मैं अभी बोला था कि उसको बचा के रखना भाई, मेरे को प्रूफ मैं पहनूंगा उसको, मेरा है वो, मैं दिला दूंगा। वही इसका पेंट था, इसने फाड़ दिया। इसने मना किया ना कि ये खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। दिखा तो, दिखा तो क्या किया तूने? कैची लगी उसके अंदर, पेंट था फाड़ दिया। मेरी गलती नहीं थी बेचारा। जरूर से अंशा है मेरे लिए, मिल ले। कितने बजे, कितना टाइम हो रहा है? रात को हो अंश यार। अरे यार अंश, मिस यू गाइस, मिस यू टू यार। ये मुझे याद दिलाते हैं कि दीदी आप ब्लॉग बना रही हो। मैं भूल जाती हूँ ब्लॉग में कि मुझे क्या क्या करना है। सब 15 मिनट तो सामान एडजस्ट करने में लग गया है सारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके नीचे भी। इधर देखो, इधर देखो। यार तेरी ना चढ़ते हुए लेनी चाहिए थी मुझे, अच्छे से चढ़ा दो। बज गए सुबह के 7 बजे, तब पहुंचे 1 घंटे लेट है ना। ये दोनों सो गए थे, सिर्फ मैं जाग रहा था उल्लू की तरह। इनके सामान की रखवाली करते हुए, इसकी कंप्यूटर की रखवाली करते हुए, वॉचमैन और करता भी है। हाँ वॉचमैन की सैलरी निकाल देना जरा, 15,000 दो। तो गाइस हम लोग आ गए हैं नोएडा से, दिन की कैब करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ जी भैया, गुड नाइट। गाइस हम लोग आ चुके हैं, खुली बन के हम आए।
रखवाली करने वाला ये है। मेरा बैग इतना सुंदर वाला मेरा बैग है, सारे गंदे इन लोग हैं। नहीं थक गए ना अपने घर घर घर। सो गाइस हम लोग आते से ही काम पे लग गए हैं और बेचारा ये अमित सबके लिए मैगी बना रहे हैं। हमारी मैगी बन रही है, सारी तैयारी रखी हुई है बस। और फिर भी हमारी चाय और इन लोगों को दिखाती हूँ अभी ये लोग क्या कर रहे हैं। बेचारा अमित जब से आया मेरे साथ हेल्प करा रहा है। अब ये ऑफिस का काम नहीं कर रहा हूँ ये ऑफिस का काम चल रहा है। हाँ ऑफिस का काम ये तो ऑफिस के काम के बहाने तुम लोग आराम कर रहे हो। ये देखो ये एक और ऑफिस का काम, रील चल रही है। ये देखो रील चल रही है मतलब ऑफिस का काम, ऐसे ऑफिस का काम हो रहा है ना पता चला ये मेहनत क्या आते ठंडे गरम कर लो इसी में। ये मैगी शेफ अमित अमित गुजर। वाह मैगी तैयार है, मैगी बहुत अच्छी मैगी बनी है गाइस। अब मैं सोऊंगी, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा तो आज का साक्षी दी का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। और प्रॉमिस करो अपनी ऑडियंस से, प्रॉमिस गाइस, हाँ आप कुछ अतरंगी दिखेगा। बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम फिर से।